हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं वीवो वर्सेस ओप्पो, ओप्पो वर्सेस वीवो। बल्कि ओप्पो का नया सेट आया है F21S Pro 5G, जो कि है 26,000 का। अगर इसकी बात करते हैं, ये है वीवो का T1 5G, जो कि है 20,000 का। इसके और भी वेरिएंट है, पर ये 20,000 का है। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है वो कमेंट करके आप बता देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, सिंपल सा कंपैरिजन रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर इन दोनों में से आपने कोई भी सेट चला कर देना, आप बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हैं। शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सबसे पहले बात करते हैं हम लॉन्चिंग की। इसको लॉन्च हुए कुछ दिन हुए हैं, ये सितंबर में लॉन्च हुआ है, 15 सितंबर को, और इसको लॉन्च हुए को हो चुके हैं 1-2 महीने, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों की डिस्प्ले साइज का। प्राइस मैंने आपको बता दिया है 20,000 और 26,000, ठीक है। ये 26,000 का मिलने वाला है, ठीक है, 26 और 26,000 का जो डिफरेंस है, देखते हैं उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हम डिस्प्ले साइज़ की बात करते हैं। इसकी जो डिस्प्ले साइज़ है वो रहेगी 6.43 इंच फुल्ली HD प्लस AMOLED डिस्प्ले क्वालिटी, जो कि 60Hz पे काम करेगी। अगर हम वीवो की बात करते हैं, इसकी जो डिस्प्ले साइज रहेगा वो 6.58 इंच रहेगा, फुल्ली HD प्लस IPS डिस्प्ले। तो इसकी क्वालिटी थोड़ी लो है, 120Hz के साथ ये काम करेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके फ्रंट कैमरे की, तो इसका फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, इसका जो फ्रंट कैमरा है वो रहेगा 16 मेगापिक्सल। अगर इसके फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, इसका बटर ड्रॉप नोच में रहेगा 16 मेगापिक्सल। इसका पंच होल कैमरा आ जाता है, ठीक है, जैसे पंच किया होता ना होल ऐसे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राइट साइड की, तो राइट साइड में आप चेक कर सकते हो कि आपको पावर लॉक बटन के ऊपर ही दोनों की सेम पोजीशन मिल गई। इसके ऊपर वीवो में आपको इसके ऊपर फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, साथ में वॉल्यूम की रोकर का अपडोर का बटन देखने को मिल जाता है। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं, लेफ्ट में आपको ओप्पो में वॉल्यूम की रोकर का बटन और साथ में सिम स्लॉट मिल जाता है, जो कि 5G सिम सपोर्ट करता है। और दोनों के दोनों सेट 5G सिम सपोर्ट करते हैं, पर वीवो में आपको सिम स्लॉट ऊपर देखने को मिल जाता है। सेकेंडरी माइक आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम नीचे की बात करें, स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है, टाइप सी चार्जर देखने को मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाता है, मेन माइक देखने को मिल जाता है, ठीक है, 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। तो दोनों का सेम देखने को मिल जाता है। अगर हम नीचे बात करते हैं, नीचे बैक में आप चेक कर सकते हो कि आपको दोनों में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। अगर कैमरा की बात करते हो, तो आपको इसमें जो कैमरा देखने को मिल रहा है 64 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, साथ में फ्लैश देखने को मिल जाती है, नीचे ब्रांडिंग मिल जाती है आपको ओप्पो में, ठीक है। अगर इसकी बात करते हो, इसमें आप चेक कर सकते हो, इसमें जो आपको कैमरा देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल, साथ में आपको फ्लैश मिल जाती है और नीचे ब्रांडिंग मिल जाती है आपको वीवो की, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं इन दोनों के वेरिएंट के बारे में, वेरिएंट के बारे में बात की है, तो इसमें जो रैम देखने को मिलेगी वो 8GB मिलेगी और 128GB इंटरनल मैमरी मिलेगी, प्लस 5GB रैम आप इसकी बढ़ा सकते हो, जो कि मैं आपको रेकमेंड नहीं करता। अगर आप रैम बढ़ाओगे, रोम कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बैटरी भी ज़्यादा चूसेगा, स्पीड की फ़र्क पड़ जाएगा, थोड़ा सा आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वीवो की, तो इसकी जो रैम रहेगी वो रहेगी 8GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी, और इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है रैम बढ़ाने का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इनके प्रोसेसर के बारे में, तो प्रोसेसर दोनों के लगभग सेम ही है, स्नैपड्रैगन 695, ठीक है, 695 प्रोसेसर मिल जाता है 5G वाला, दोनों में सेम है। इसमें भी आपको 695 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, इसमें भी आपको 695 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर हम बैटरी की बात करते हैं, तो बैटरी के मामले में आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इसकी 4500mAh की बैटरी है और 33W का वूक फास्ट सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। अगर हम वीवो की बात करते हैं, तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, जो बैटरी मिलेगी वो 5000mAh मिलेगी, पर 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। पर इसकी जो बैटरी है वो ज़्यादा जल्दी कंज्यूम होगी। रीज़न क्या है कि IPS डिस्प्ले है, इसकी AMOLED डिस्प्ले आ जाती है, तो इजीली दोनों का एक दिन निकल जाएगा, क्योंकि 500mAh की इसकी बैटरी थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, तो एक दिन इजीली दोनों का निकल जाएगा। चार्जिंग में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा कि ये थोड़ा जल्दी चार्ज होगा, ये थोड़ा 10-15 मिनट बाद लेट होगा, पर में भी चार्ज तो दोनों हो ही जाएंगे। तो सिंपल सा कंपेरिजन था, आपको अच्छा लगा लाइक करना। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, अच्छी लगी लाइक जरूर करना।